जय माँ योग समन्वय कि अब हम बुक टू योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स के अंतिम भाग में आ गए हैं एक्चुअली ये अंतिम चैप्टर है हालांकि उसके बाद एक अपेंडिक्स के रूप में हम देखेंगे कि एक और चैप्टर ऐड किया गया था पर ये जो फ्लो करती है किताब ये चैप्टर बारवा दैट इज द डिवाइन वर्क अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पर अगर हम ध्यान ना दें तो इसको ट्रांसलेट करेंगे अच्छा ये कर्मयोग के बारे में है तो हमें ध्यान से देखना है कर्मयोग के बारे में इट विल बी ओनली द योगा ऑफ वर्क्स पर यहाँ पर है द योगा ऑफ डिवाइन वर्क उसका कारण ये है कि साधारण कर्मयोग शेयरविन दोनों में डिस्टिंग्विश करते हैं साधारण कर्मयोग और इंटेग्रल योग में जो कर्मयोग है साधारण कर्मयोग कर्म के द्वार से मुक्ति तक ले जाता है कर्म के माध्यम से मुक्ति तो एक बहुत अद्भुत बात है क्योंकि इसके पहले कर्म को बंधन माना गया और बंधन कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार के उपाय मेडिटेशन ज्ञान भक्ति इत्यादि तो श्री कृष्ण पहले बार कहते हैं कि कर्म बंधन भी है और कर्म मुक्ति का मार्ग भी खोल सकता है ये डिपेंड करता है अगर हम आज की भाषा में कहें तुम्हारा एटीट्यूड क्या है कर्म के प्रति यदि तुम इगोइस्टिक डिज़ायर के सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म कर रहे हो तो वो बंधन है और श्री कृष्ण इसी इसी बात को बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं और श्री अरविंद डिवाइन वर्क्स में ही बताते हैं कि चाहे तुम वैदिक कर्म क्यों ना कर रहा हो यानी सारे रिचुअल्स कर रहे हो तुम लेकिन रिचुअल्स कर रहे हो इसलिए कि मुझे धन धान्य मिले तो वो कर्म बंधन होगा क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा डिज़ायर तुमको इम्पेल कर रहा है और यदि तुम अब यहाँ पे यदि के पहले ये प्रश्न उठता है कि अगर तुम्हारे डिजायर्स समाप्त हो जाएंगे तो कर्म क्यों करोगे तो पहले तो हमको ये स्मरण रखना चाहिए कि डिजायर एक, एक एक्स्ट्रा वो कहते हैं डबल इंजन <laughs> तो डबल इंजन वाला ये एक्स्ट्रा इंजन है कर्म के लिए से जगाने के लिए लेकिन डिज़ायर ही एकमात्र कर्म का मोटिव नहीं होता है या कर्म का इंपल्सन नहीं होता है अधिकांश कर्म हैबिचुअल होते हैं सुबह उठ के व्यक्ति स्नान करने जाता है अब मान लो कोई ऑब्सेसिव व्यक्ति वहाँ सोचने लगे ये मैं डिज़ायर है कि मेरी डिज़ायर नहीं है इसलिए <laughs> इसकी कि मैं नहा रहा हूँ मैं डिज़ायर से नहा रहा हूँ तो कुछ लोग उसका एक्सट्रीम कि भाई मैं नहीं नहाऊंगा कैसे भी रहूँगा ये अर्थ नहीं है डिज़ायर इज डिज़ायर नथिंग लेस नथिंग मोर तो डिज़ायर की बात हम लोगों ने पहले कर भी ली है कि जिसमें एक रेस्टलेसनेस होती है पाने की चाह होती है आकांक्षा होती है अपेक्षाएं होती ये सारी चीज़ें डिजायर से जुड़ती हैं पर बहुत सारे कर्म हैं जैसे हमारे दैनिक नित्य कर्म ये हमारी सफाई के लिए स्वस्थ रहने के लिए ये किए जाते हैं ये हैबिचुअल कर्म है उसी प्रकार से बहुत से और भी कर्म हैं जो हमारे हैबिट से चलते हैं इनफैक्ट प्रारंभ में वो चाहे किसी भी कारण से हो बाद में वो आदत के रूप में आदमी करता रहता है फिर कुछ कर्म है जो आप क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी को कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिज़ायर से किए जाएं, लेकिन इनमें से किसी में भी डिज़ायर जुड़ सकता है डिज़ायर एक ऐसे वो कहें ना लीच या वायरस की तरह है जो आपके कर्म को भ्रष्ट कर देता है जैसे मैकेनिकल कर्म है सुबह उठ के व्यक्ति तैयार हो रहा है तो ये आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना है भोजन करना ये आवश्यकता है नीड्स हैं पर अब इसमें डिज़ायर कैसे जुड़ता है अरे खाना खाना है मेरी मर्ज़ी का वो वाला खाना ये वाला खाना चटकारे वाला खाना फिर उससे क्रोध उत्पन्न होता है मेरे पसंद का खाना क्यों नहीं है ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं है फिर उसमें स्नान कर रहा है तैयार हो रहा है तो तेल फुलेल लगा रहा है ये सोच रहा है कि मुझे कितना अप्रिसशन मिलेगा तो ये डिज़ायर एक ऐसी बीमारी है जो हर चीज़ में जुड़ जाती है और जब वो जुड़ जाती है तो हमें स्वकेंद्रित बना देती है और जितना हम स्व केंद्रित होने लगते हैं उतना हम सच्चे स्व से दूर जाने लगते हैं इसकी जो साइकोलॉजी है वो इतनी सिंपल है फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो व्यक्ति करता है जो लौकिक कर्म है जिसको इसको मान्यता दीका लौका, लोकाचारी है उसमें आप डिज़ायर नहीं आ रहे हैं हाँ वो एक प्रकार से बंधन है वो मुक्त नहीं कर रहा है लेकिन वो डिज़ायर से इम्पेल्ड नहीं है लेकिन वो एक प्रकार की लोकाचारी है ये नहीं कि वो बहुत अच्छी चीज़ है या इट इज़ समथिंग ग्रेट लेकिन आपको वो डिज़ायर से इम्पेल्ड नहीं है तो कर्मयोग में हमें मुख्यतः इगोइज्म और डिज़ायर सेल्फ लोकाचारी में भी इगोइज्म आ जाता है लोकाचारी में भी डिज़ायर आ जाता है ये व्यक्ति मेरा प्रिय है प्रेफरेंसेस हैं इसके साथ मेरा उठना बैठना होगा तो मेरा लाभ होगा बहुत तरह की चीज़ें आती हैं तो ये सारी चीज़ें जो कर्मयोगी हैं ये धीरे धीरे कंटकों की तरह निकालता है तो कैसे निकालता है एक एक कांटे निकालना बहुत मुश्किल है तो ये फॉर्मूला अपनाने लगता है कि मैं जो भी करूँगा कम से कम इससे जो मुझे अपेक्षा है मिलने वाला जो फल है उसको मैं रिनाउंस करूँगा तो मिलने वाला फल कैसे रिनाउंस करूँगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें जो मुझे प्राप्त होगा मेरे सेल्फिश कोई स्व को उसमें ईगोइजम बहुत बड़ा इगोइज़म का प्रबल पकड़ होती है उसको मैं त्याग करूंगा और ईगोइज़म से कैसे छुटकारा पाऊँगा समता के अभ्यास से तो इस प्रकार की दोनों चीज़ें साथ में अल्टीमेटली ऑफरिंग रिमेंबर एंड ऑफर ये तीन चीज़ें जब हम अपना के कर्म करते हैं तो धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होते जाते हैं और एक समय आता है जब हमें यह किसी प्रकार का कर्म करो या ना करो इस प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है एक जो मुक्त है उसको आप किसी प्रकार के मापदंड में नहीं बांध सकते इसीलिए मुक्त है अब देखिए बड़ी स्लिपरी स्लोप है क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट को बहुत सारे लोग मिस कर सकते हैं कर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है ये कर सकते हैं कि भाई गीता में लिखा है आप मुक्त हो तो कुछ भी कर सकते हो तो मैं किसी को मार सकता हूँ और भी दुष्कृत्य कर सकता हूँ तो वो तो एक मनुष्य की सोच है लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है उसको भगवान जानते हैं और भगवान जो फल देते हैं हमारी साधना का फल वो वाला फल नहीं पर साधना का जो वो अंदर की सिंसेरिटी से देते हैं वो आपके बाहर के दिखावे से नहीं देते हैं आप बाहर एक सन्यासी का चोला पहन रहे हो लेकिन आपको ये चाह रहे हो कि भाई मुझे कोई रिकोगनाइज तो करे कि मैं कितना बड़ा सन्यासी हूँ मैं समाधि के पास बैठा हूँ इतना तन के बैठा हूँ कोई रिकोगनाइज़ तो करे मैं इतना लेक्चर देता हूँ कोई कहे तो सही कि भाई देखो आप बड़े ज्ञानी हो पंडित हो नाना ना प्रकार के आ सकते हैं मैं नहीं बोलता हूँ कुछ कोई रिकोगनाइज तो करे कि मैं देखो कितना मौन धारण करता हूँ मैं आश्रम के बाहर घूमता रहता हूँ कोई रिकोगनाइज तो करे कि देखो मैं माँ की सेवा कितनी कर रहा हूँ मैं आश्रम के बाहर कभी नहीं गया कोई रिकोगनाइज तो करे कि मेरे पास ये अहंकार समाप्त हो गया तो आंकार आनेको 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 है तो अहंकार के शद वेश अनेकों 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 हैं और उसको या तो हमारे हृदय के अंदर सत्यनिष्ठा में हम जान सकते हैं अगर सत्यनिष्ठ है या भगवान जान सकते हैं तो जो फ्रूट्स मिलते हैं उसके अनुसार मिलते हैं ये हमको स्मरण रखना चाहिए ठीक है अब अंदर में मुक्त हो गया व्यक्ति तो कर्म करेगा कि नहीं करेगा पर करेगा तो क्यों करेगा तो यहां गीता उत्तर देती है लोक संग्रहार्थ अब लोक संग्रहार्थ के दो अर्थ दिए जाते हैं जो कॉमन उसका अर्थ है वो ये अर्थ है कि वो तो मुक्त हो गया है और उसमें गीता को ही कोट किया जाता है नाबुद्धि भेदम इसको इसको दूसरे ढंग से नाबुद्धि भेदम का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो अलग है कि जो नोअर डू नॉट कन्फ्यूज डू नॉट नो अब कन्फ्यूज की बात है यानी कि हर व्यक्ति अपने अपने स्टेज से जा रहा है नोर ब्राह्मन एक ये नहीं कहेगा कि सब एक हैं सब से मिल जाओ कैसे भी वो इस तरह से नहीं एक्ट करेगा क्योंकि उसको पता है उसके लिए ए, एक्स के लिए क्या ज़रूरत है वाई के लिए क्या ज़रूरत है लेकिन नॉर्मल जो इंटरप्रिटेशन होता है लोक संग्रहार्थ का कि उसको जीवन यापन जीवन चल रहा है उसकी व्हील है इल्यूजन में चल रही है लेकिन वो फिर भी उस इल्यूजरी व्हील को चूंकि वह मुक्त हो गया है इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये अपने आप में इलॉजिकल चीज़ है क्योंकि यदि आप मुक्त हो गए हो आपको पता चल गया कि ये इल्यूजन है तो आप क्या करोगे नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि सबको ये बताना कि देखो ये आप ये जो जिसमें फंसे हुए हो ना ये वास्तव में छल है तो ये उस लेकिन लोक संग्रहार्थ का जो ये मीनिंग लोग निकालते हैं कि वो केवल उसको व्हील ऑफ वर्क्स को मेंटेन करने के लिए अब मेंटेन अगर वो इल्यूजन है तो उसको मेंटेन करने की ना आवश्यकता होनी चाहिए ना एक नोअर को करना चाहिए तो यहाँ पर शेयरविंद जो अद्भुत बात लाते हैं जो शेयरविंद के योग में नई चीज आ रही है वो गीता में हिंटेड है हिंटेड कैसे ओरिजिनल कर्म तो भगवान का है श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही कर्म की ऊर्जा मेरे से ही निकलती है तो आप क्रिएशन का लास्ट द बक स्टॉप्स देयर सृष्टि प्रारंभ क्यों हुई तो वो शेयरविंद यहाँ ये बता रहे हैं कि कर्म वास्तव में एक मीन्स है दिव्य को मैनीफेस्ट करने के लिए प्रकट करने के लिए अप्रकट रूप में हम सब के अंदर वो हैं लेकिन प्रकट उनको करना एक्सप्रेस करना मैनी अभिव्यक्त करना मैनिफेस्ट करना इसके लिए सृष्टि बनी है लेकिन हम तब तक नहीं कर सकते मैनीफेस्ट जब तक हम स्वयं बंधन में हैं। अगर मुझे आता ही नहीं कि खाना कैसे बनाया जाए और मैं जाके सहायता करने में लग जाऊं कि मुझे बनाना है और हेड कुक से बोलूं कि भाई मैं बनाऊंगा ना आप मुझे बनाने दीजिए <laughs> तो वहाँ पर यह उक्ति लागू होगी टू मेनी कुक्स स्पॉइल द प्रॉथ लेकिन यदि मुझे पता है ना केवल ये पता है कि भोजन कैसे बनाना है मुझे ये भी पता है कि वो रेसिपी कौन सी है जो मेन कुक बना रहा है वो भी हारमोनी होनी चाहिए ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से कुछ डाल दूँ अपने हिसाब से कुछ डाल दें तो मैं खाने में बनाने में हेल्प करूँगा और यही चीज़ हर चीज़ के साथ है तो जब मैं अज्ञान में हूँ तो भगवान की अभिव्यक्ति में सहायक नहीं बन सकता वो हर बात है कि भगवान हर चीज़ को उपयोग ले लेते हैं ये एक दूसरी बात है भगवान तो उनको जो अपोज कर रहा है उसको भी उपयोग में ले लेते हैं पर वो भगवान का कृत्य है परंतु यह मान लेना कि मैं जैसे भी जो भी कर्म कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली डिवाइन का एक्सप्रेशन है में ये प्रेरणा आ रही है वो प्रेरणा आ रही है बहुत लंबी यात्रा के बाद व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो कर्मयोग की जो पहली स्टेज है या दिव्य कर्म योग की तो पहली स्टेज है कर्म से जो हम बंधते हैं ईगोइज़्म और डिज़ायर के साथ उससे मुक्ति ये फर्स्ट स्टेप है कॉमन है गीता में भी कॉमन है शेयरविंद के योग में भी कॉमन है उससे हम नहीं बच सकते उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो शेयरविंद बताते हैं वो है डिवाइन वर्क गीता में ये हिंटेड है श्री अरविंद इसीलिए ऐसे गीता में डिवाइन वर्क पे पूरा लेकिन वहाँ हिंटेड किस तरह से श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं अपना उदाहरण देते हैं और वो अर्जुन के लिए विशेष रूप से कि तू मेरा इंस्ट्रूमेंट बन और उसी चीज़ को शेयरविंद कह रहे हैं कि हम सब डिवाइन वर्क में मैनिफेस्टेशन में भगवान के मैनिफेस्टेशन में उनकी अभिव्यक्ति में हम कोलेबरेट कर सकते हैं या उनके यंत्र बन सकते हैं तो अब उसी को आधार मान करके अंतिम चैप्टर है द डिवाइन वर्क क्योंकि इसके साथ बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि डिवाइन वर्क फिर कौन सा होगा डिवाइन वर्क क्या केवल होली वर्क्स डिवाइन वर्क्स होंगे ये बहुत सारे दिमाग में आ सकते हैं क्या आश्रम में काम करना यही डिवाइन वर्क है क्या केवल समाधि की सेवा करना डिवाइन वर्क है क्या केवल पूजा पाठ करना डिवाइन वर्क है क्या ऐसे लोगों के साथ काम करना डिवाइन वर्क है और वैसे लोगों के साथ उठना बैठना डिवाइन वर्क नहीं है ये सारे प्रश्न श्री अरविंद इसमें उत्तर देते हैं तो पहले ये बता रहे हैं पेज दो पर

ए पोर्शन दैट हेज़ कम डाउन विद इट फ्रॉम द ट्रांसेंडेंस तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देते हैं ट्रांसेंडेंस यूनिवर्सल और इंडिविजुअल जो योग की प्रारंभ में कहा कि इवन जब हम कम्प्लीटनेस पे बहुत जाते हैं कर्मियों की तब हमको डिवाइन फुलफिलमेंट इन क्रिएशन उसका भागीदार बनना है क्योंकि हम सब उसी विश्व चेतना का भी एक भाग है तो जैसे पहले कहते थे ना बच्चा पिताजी मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ देख रहा है कि कठिनाई से घर चला रहे हैं जो भी तो पिता क्या कहेगा चल तू मेरे काम में कहेगा नहीं तो पढ़ाई कर तो पढ़ाई कर सक्षम बन तब तू मेरी हेल्प करना वरना अगर तू हेल्प करेगा प्री तो पता नहीं क्या करेगा कैसे करे अभी तो तू अज्ञान में है तो पहली चीज यहाँ पर ये हमें समझनी है और फ्रीडम का पूरा पथ अब तक बता दिया गया है कर्मियों के माध्यम से मुख्य चीज इसमें यह है कि ही डज नॉट हैव टू फ्ली फ्रॉम एक्शन जो कर्मयोगी जो सिद्ध कर ली है उसने कर्मयोग के अंतिम चरण पे उसको एक्शन से फ्ली नहीं करना है भागना नहीं है लेकिन उसके ऊपर कोई बाध्यता भी नहीं है कि वो एक्ट करेगा दोनों तरह से कोई बाध्यता नहीं है ना वो एस्केप करेगा ना वो बंद करके रेस्टलेस होके काम करेगा इवन इन डूइंग वर्क ही डज नॉट वर्क एट ऑल मुख्य चीज उसकी है कि आंतरिक अवस्था में वो मुक्त है इट इज द डिवाइन शक्ति दैट वर्क इन हिम थ्रू हिज नेचर हिज एक्शन डेवलप थ्रू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सुप्रीम फोर्स बाई विच हिज इंस्ट्रूमेंट आर पजेस्ट ऑफ विच हि इज ए पार्ट बाई विच हिज इंस्ट्रूमेंट आर पोजेस्ट ऑफ विच इज ए पार्ट विथ हूज विल हिज विल इज आइडेंटिकल एंड हिज पावर इज हिज पावर तो यहाँ पर यह है कि फिर वो जगत जननी का इंस्ट्रूमेंट अभी हम लोग लोअर नेचर के इंस्ट्रूमेंट है वास्तव सच तो यही है जो कर्मियों का पहला स्टेप तो यही है कि आई एम नॉट द डूअर ये तो कॉमन सेंस भी है और एडोलेसेंस में आदमी सीख जाता है कि यू आर नॉट द डूअर आपकी जो भी बुद्धि वगैरह मिली है वो आपको या तो नेचर से मिली है जेनेटिकली बोल दो कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो और नेचर के पीछे भगवान है या आप ये कह सकते हो कि मुझे विधाता से मिली है यही दो बातें आपकी अपनी तो नहीं है तो पहला स्टेप दूसरा कर्म कौन कर रहा है कर्म की ऊर्जा सारी आपको प्रकृति दे रही है तो ये आदमी अगर केवल सेल्फ स्टडी करे तो वो जान जाएगा कि ही इज नॉट द डूअर डूअर इज नेचर क्रेडिट लेने में आदमी बहुत तैयार है अरे एग्जाम में कितना फर्स्ट आ गया ये सब अरे उसको प्रकृति ने इंटेलिजेंस ऐसी दे दी किसी को दूसरे ढंग की इंटेलिजेंस दी दैट्स ऑल अब प्रकृति का खेल है तो इवन ऑर्डनरीली वेन वी सी वी टेकिंग क्रेडिट इज इन इग्नोरेंस तो ये तो लोअर नेचर है लेकिन लोअर नेचर का अपना तरीका है काम करने का लोअर नेचर के लोअर मोटिव्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर नेचर एक मैन और वुमेन को मिलाती है तो उसका मोटिव क्या है संतति बढ़ाओ तो लोअर मोटिव है परंतु हायर नेचर का मोटिव क्या है देट दे बिकम कॉम्प्लीमेंट्री बींग्स हेल्पिंग ईच अदर सपोर्टिंग ईच अदर जर्नी टूअर्ड द डिवाइन तब आपको यह लोअर मोटिव त्यागना पड़ेगा हायर मोटिव को अडॉप्ट करना पड़ेगा यह कठिन है क्योंकि लोअर नेचर एक्टिव हो जाएगा वो कहेगा आई विल नॉट अलाउ यू टू एस्केप तो यह देखिए किस कितनी ये सुरस्य धारा यहां कैसे चलती है पर मुख्य चीज यह है कि uh, कर्म कैन कंटिन्यू एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन फिर आगे बता रहे इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ द योगा पे स्टेज की बात कर रहे हैं इन एन एडवांस स्टेज ऑफ द योगा इट इज इनडिफरेंट टू द सीकर इन द सेंस ऑफ एनी पर्सनल प्रेफरेंस वॉट एक्शन ही शेल डू और नॉट डू इवन वेदर ही शेल एक्ट और नॉट इज नॉट डिसाइडेड बाई हिज पर्सनल चॉइस और प्लेजर मैं ये करना चाहता हूं मैं यह किताब लिखना चाहता हूं। अब कहने को तो आदमी बोल देगा मुझे इंस्पिरेशन आई है अब इसका क्या कह सकते हो दिख रहा है कि भैया तेरा अहंकार बोल रहा है <laughs> लेकिन ये जो चीज़ है ना ये इनकंसिस्टेंट है उसके अंदर ये ऐसी पर्सनल प्रेफरेंसेस चॉइस या मेरी किताब लिखी है मैंने जाके देखी है पढ़ी है वो किताब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ नाना प्रकार खाना मैंने बनाया है कैसा लगा तो कर कुछ भी कर्म कर सकता है लेकिन उसके अंदर ये सेल्फिश पर्सनल मोटिव खत्म हो जाएंगे वो करेगा एज एन एक्शन दैट डेवलप्स और जब खत्म हो जाएगा तो वो उससे फ्री है ही इज ए फ्री पर्सन ऑलवेज ऑलवेज ही इज मूव टू डू वट एवर इज इन कंसोनेंस विद द ट्रूथ और व्हाट एवर द डिवाइन डिमांड्स थ्रू इज नेचर तो इसके हिसाब से जो एक चीज बताई जाती है कि ठीक है वो जिस परिवेश में है फिर वो करता रहेगा अंदर से वो मुक्त है इज फ्री इज ए डॉक्टर लोग इसको एंड पॉइंट समझते हैं तो वो जो भी कर्म कर रहा था वो उसको करता रहेगा वो पास्ट मोमेंटम से प्रकृति ने उसके अंदर बीज बोया है अब वो वृक्ष वो उसको रोकेगा नहीं उसको करने देगा अगर घर परिवार में है तो घर परिवार का रख रखाव देखभाल अगर वो कोई जॉब में है तो जो भी जॉब में है उसको करता रहेगा अंदर से वो मुक्त हो गया है क्योंकि उसके अंदर डिजायर की गांठ खुल गई है इगोइजम की गांठ डिसॉल्व हो गई है तो ये तो फिर इसमें प्रॉब्लम है वो तो चुनाव लोअर नेचर ने किया था वॉट इफ द डिवाइन शक्ति वॉन्ट समथिंग एल्स क्योंकि वो तो इग्नोरेंस के प्ले में आया था अब इसको देखो शेरविंद कैसे बताते हैं शेरविंद से किसी ने पूछा कि पता नहीं निरुद्धा ने पूछा ये जो आ, योगी होते हैं वो क्यों होता है वो शादी क्यों करते हैं अगर उनको छोड़ना होता है तो उन्होंने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया और फिर शेरविंद का भी नाम डाल दिया कई बार इसकी बात हो चुकी है कि शेरविंद के, के हृदय में जो भाव था पर एक मिनट के लिए शेरविंद का उत्तर क्या है कहते इट इज वेरी सिंपल दे गेट मैरिड वेन दे आर इन इग्नोरेंस नॉलेज दे the <laughs> <laughs> वो एक अलग फिर आपके ऊपर एक डिफरेंट लाइन ऑफ कर्म टू लाइन्स ऑफ कर्म हायर लाइन्स और लोअर लाइन्स लोअर लाइन्स अपने हिसाब से चलती हैं और हायर लाइन ऑफ कर्म आप डिवाइन शक्ति डिसाइड करेंगी अब आप नहीं कह सकते यहाँ आश्रम में हुआ है किसी किसी को माँ कहती थी दोनों साथ रहते थे किसी को कहती थी नो यू कम दुमन भाई का टिपिकल एग्जाम्पल है देवन भाई की जब वाइफ मिलने आई कई सालों बाद तो माँ ने कहा उन्होंने पूछा कैन आई मीट मदर ने कहा यस वंस ओनली इन माय प्रेजेंस वहीं किसी और को अब नलिदा की वाइफ आई तो शिपिके में नश्रम आश्रम इट शी लिव डियर उनके बच्चे पढ़े तो ये निर्धारित कोई मेंटल मापदंड से नहीं होता है तो यहाँ पर आप देखें कि वो सारे जो सोच है वो समाप्त हो जाती है

मतलब बैठ करके महिमा मंडन हो कि आप लेक्चर दे रहे होते तो बहुत ऊंची चीज है ये करेगा घर गृहस्थी में क्यों करेगा सब्जी फल क्यों लाएगा इसका अर्थ है कि आप इल्यूजनिज्म को सब्सक्राइब कर रहे हो यहां शेरविंद ये कह रहे हैं आप फिर उसी भूल में कि ये संसार में कोई इंटेलिजिबल इंटेंशन नहीं है और जब आप समम ब्रह्म की अवस्था में प्रवेश करते हो तो आप देखते हो कि एक डिवाइन इंटेंशन हर चीज में कार्य कर रही है वेरी ब्यूटिफुल आपको रास्ते में कैजुअली कोई चीज दिख जाती है मिल जाती है इन सबके पीछे एक डिवाइन इंटेंशन कार्य कर रही है द ग्रेट थ्योरी ऑफ इल्यूजन विच इज ए प्रैक्टिकल डिनाइल ऑफ द डिवाइन इन द वर्ल्ड इज ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट लिख करके रखना चाहिए द ग्रेट थ्योरी ऑफ इल्यूजन विच इज ए प्रैक्टिकल डिनायल ऑफ द डिवाइन इन द वर्ल्ड इवन वेन इन आई डी आई टेक्नोलॉजी द प्रेजेंस इज वंस मोर बिफोर अस बट द डिवाइन इज हियर इन द वर्ल्ड

Everything can be part of that divine work. There is no narrow principle, no field of नो action that can be imposed on the karma yogin as his rule or his province. वो राज्य भी कर सकता है वो अपने साधारण जीवन जिसको साधारण हम कहते हैं उसमें जीवन यापन कर सकता है सारे अपने सो कॉल्ड कर्तव्य कर रहा है आपको लग रहा है कर्तव्य के कारण लेकिन उसका अंदर का स्टेंस चेंज हो गया है जो यज्ञवल्क ने उत्तर दिया था एवरी दिस मच इज ट्रू दैट एवरी काइंड ऑफ वर्क वेदर स्मॉल टू मैनस इमेजिनेशन और ग्रेट पेटी इन स्कोप और वाइड कैन बी इक्वली यूज इन द प्रोग्रेस टूवर्ड्स लिबरेशन और फॉर सेल्फ डिसिप्लिन तो यहां पे कई बार लोग पूछते हैं आते हैं तो ये लोगों को पता होना चाहिए तो लोग किन के संपर्क में आते हैं जो पब्लिकली लोग जिनको जानते हैं जैसे मेरे साथ भी ये टॉक्स दे रहे हैं किताबें लिख रहे हैं ये दो अच्छा ये लोग ये आशा में बहुत कुछ हैं लेकिन आप जाके देखो डाइनिंग रूम में जो कार्य कर रहे हैं ये नहीं कि सारे के सारे लिबरेटेड हैं पर आप देखो जो प्रेस में क्वाइटली प्रे, मैंने मिला हूँ ऐसे लोगों से लेकिन वो हल्ला नहीं कर रहे पर वो कर्मी इन लिबरेटेड यहाँ एक बिहारी बाबू थे वो केले की बिहारी बाबू मतलब नॉट फ्रॉम बिहार उनका नाम था बिहारी तो वो केलों की सेवा के बनाना सर्विस में जाते थे केले धोना स्मोक करना उनको रखना तो एक बार किसी ने कहा ये तो कभी आते नहीं है दर्शन वगैरह पे तो माने उत्तर दिया ही इज ऑलवेज इन मी एंड आई एम ऑलवेज इन हिम ही इज कॉन्शियस ऑफ दिस अब ये लिबरेटेड है और जाने के एक दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि कल आई लीव द बॉडी और जो भी इंस्ट्रक्शन देने देखे नेक्स्ट नेक्स लेफ्ट अब देखा जाए कोई बाहर से तो कोई मिला शायद नाम भी नहीं जानते बहुत से लोग सब जब आते हैं पवित्रता नो डाउट स्केल ऑफ मैनिफेस्टेशन एग्रीड स्केल ऑफ मैनिफेस्टेशन ग्रेटनेस इज ग्रेटनेस वी मस्ट रिकॉग्नाइज बट इज द ग्रेटनेस ऑफ द डिवाइन इन द पर्सन नॉट ऑफ दैट पर्सन बट इक्वली स्मॉल वर्क बिग वर्क ये कंसेप्शन हमारे अंदर चले जाने चाहिए देर आर पीपल लाइक दैट आई have मेट पर्सनली और बड़ा अद्भुत लगता है उनके नाम भी बहुत लोग नहीं जानते हैं आश्रम में वो बड़े साधक से उनका मतलब यही होता है कितनी किताबें लिखी हैं कितना उन्होंने लेक्चर दिए हैं या कितने योगी जैसे लग रहे हैं कभी कभी ये भी वो चुपचाप बैठे रहते समाधि के ऊपर आपको पता नहीं है अंदर में तूफान उठ रहा है हुआ ऐसे चालीस साल के बाद को यहाँ से चला गया शेयर में इंतजारे वो तो बहुत चुप रहते थे चालीस साल वो कैसे चले गए बोले कुछ नहीं वो मेंटल कंट्रोल था और कुछ नहीं था तो आप ये बाहर से देख के नहीं जान सकते इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में डोंट जज एनी वन आप गड्ढे में तो ऐसे ही पड़े हुए <laughs> यहाँ एक साधक थे बहुत सुंदर कहते थे वो अपने उनके देहपुरा हो गया वसंत भाई डिस्पेंसरी में थे चुपचाप बैठे रहते थे वो बैठे रहते थे वो देते थे, थे कोई मेडिसिन वगैरह का उनको ये एक प्रकार से इंचार्ज कह लीजिए तो किसी उनसे पूछा ये हो रहा है वो हो रहा है कहते देखो भाई हम सब खुद नेक डीप मट्टी और कादो कीचड़ में धसे हुए हैं <laughs> किसी को क्या बोलेंगे <laughs> तो ऐसे ही जब हम फिंगर पॉइंटिंग करते हैं हम खुद तो धसे हुए हैं हमको वही दिखता है बाकी सब में भी क्योंकि हम इनर मोटिव नहीं जानते हैं जब तक आप इनर मोटिव नहीं जानते हैं उसकी आंतरिक स्टेज जिससे वो गुजर रहा है तब तक एनी इवन देन यू विल नॉट जज ए पर्सन तो ये जितने भी जजमेंटल चीजें हैं इट मीन्स वी आर नॉट इवन लर्न द के ऑफ कर्म योगा क्योंकि आप जान जाएंगे कि वो व्यक्ति तो होते ही नहीं है कुछ होते टेम्पोरल कर्म तो सब प्रकृति कर रही है प्रकृति के पीछे भगवान है दैट्स द एंड ऑफ दी सॉरी सो कहते हैं कि हर तरह का काम कर्मियों की कर सकता है दिस मच इज ऑल्सो ट्रू दैट आफ्टर लिबरेशन ए मैन में ड्वेल इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड इन एनी काइंड ऑफ एक्शन एंड फुलफिल देयर हिज एग्जिस्टेंस इन द डिवाइन अकॉर्डिंग एज ही इज मूव्ड बाय द स्पिरिट रिमेन इन दियर असाइन टू हिम बाई बर्थ एंड सर्कमस्टांसेस और ब्रेक दैट फ्रेमवर्क एंड गो फोर्थ टू एन अनशन विच शैल बी द फिटिंग बॉडी ऑफ हिज ग्रेट एंड कॉन्शियसनेस एंड हायर नॉलेज तो वी हैडरस्टैंड अंतर होता है लेकिन मुक्ति का ये प्रमाण नहीं है डेफिनेटली डिफरेंस किसी के अंदर शेडून कहते हैं कि वाई कॉन्ट वाई वि यूज ग्रेटनेस फॉर इज वर्क अब अर्जुन मुक्त हैं और एक हो सकता है कि उस समय कोई सिपाही युद्ध कर रहा हो वो भी मुक्त हो बट दे इज अ डिफरेंस बट दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द प्ले ऑफ द डिवाइन एनर्जी इन दैट पर्सन ए वेरी स्पेशल समथिंग तो वही काम कर सकता है या छोड़ के कुछ और काम में इफ सच बी द इंटेंशन ऑफ द सुप्रीम विद इन हिम द लिबरेटेड सोल मे बी कंटेंट विद ए सटल एंड लिमिटेड एक्शन विद इन द ओल्ड ह्यूमन सराउंडिंग्स विच विल इन नो वे सीक टू चेंज देयर आउटवर्ड अपियरेंस सबरी कंटिन्यू तो मुक्त हो गई होगी उसके अंदर अपना भाव ही नहीं बचा केवल राम बसे हैं तो मुक्त है पर वही काम करती रही पूरे पैंतीस साल तक बट इट मे टू बी कॉल्ड टू अ वर्क विच विल नॉट ओनली ऑल्टर द फॉर्म्स एंड स्पीयर ऑफ इट्स ओन एक्सटर्नल लाइफ बट लिविंग नथिंग अराउंड इट अनचेंज्ड और अनएफेक्टेड क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड और ए न्यू ऑर्डर तो ये इसलिए जरूरी कई बार लोग स्विंग कर जाते हैं कैटी पर तो जब कोई लिबरेटेड व्यक्ति इंपेल्ड होता है किसी और दिशा में कार्य करने को विच मे टू द आउटर आई इज ए ग्रेट वर्क कोई आप नई चीज क्रिएट कर रहे हो तो अरे अरे वो देखो एम्बिशन में जा रहा है यू डोंट नो यू कीप क्वाइट यू डोंट नो वो इम्पेल्ड है कि अम्बिशन में जा रहा है आपको नहीं पता है उसी तरह से जो चेंज नहीं कर रहा है उसको डिवाइन इंटेंशन है उसकी जिसके प्रति वो कॉन्शियस है या उसकी अपनी जो लिमिटेशन है तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अगेन एंड अगेन कि वो क्या करेगा हो सकता है वो चेंज कर दे अपनी पूरी सराउंडिंग्स और ऑल्टर करने में नए फॉर्म्स लाए मैनिफेस्टेशन के लिए एक नया ऑर्डर को क्रिएट करने में सहायक हो भगवान के कर्म करने में सहायक हो ये बताते हैं अब फिर प्रश्न उठता है वो तो ठीक है लेकिन आ, फिर भी मुक्त हो गया है ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है कुछ नहीं भी कर सकता है तो कुछ तो हो एक जनरल गाइडेंस कि उसका मोटिव क्या होगा अब यहां बड़ी अद्भुत बात है अब यही हृदय में पता होगा एस्पिरेशन क्या है लोगों को तो शीर कहते हैं एक और मुक्ति नीच की मुक्ति एक लाइन रही है थिंकिंग में भारतीय मानसिकता की जो बहुत गहरी छाप छोड़ गई है पर्सनल सेल्वेशन पर्सनल लिबरेशन तो कहते हैं ये लेकिन एक एक लाइन है थाट की या इवोल्यूशन की या अनुभव की द डिज़ायर फॉरल ऑफ पर्सनल सेलुएशन हाउ एवर हाई इन फॉर्म इज एन आउटकम ऑफ ईगो इट रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ आर ओन इंडिविजुअलिटी एंड इज डिज़ायर फॉर इट्स पर्सनल गुड और वेलफेयर सो क्लियर आप कह रहे हो कि मैं तो चला जाऊंगा आप ये कह रहे हो कि मेरी किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है जिम्मेदारी नहीं दैट्स ऑल राइट लेकिन क्या भगवान के प्रति भी हमारी कोई निष्ठा नहीं है पर वो कह रहे हैं पर्सनल लिबरेशन का मतलब ये हुआ कि आपने ये मान लिया कि मैं कटा हुआ हूं सारी सृष्टि से ये सेपरेटनेस तो इल्यूजन है तो अगर आप पर्सनल लिबरेशन की भाव से जा रहे हो तो एक इल्यूजन के अधीन होकर के जा रहे हो इसलिए सावित्री कहती है ना जब उनको ऑफर मिलता है लूज योर सेल्फ इन बाउंडलेस सत्यवान लेट सत्यवान लूज हिम सेल्फ इन बाउंडलेस सावित्री तो वो कहती हैं कि सिंगल फ्रीडम कैन नॉट सेटिस्फाई ए हार्ट दैट हैज ग्रोन्ड वन विद एवरी हार्ट माय स्पिरिट्स लिबर्टी आई आस्क फॉर ऑल वहाँ से ये भाव आता है ना सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया तो यहाँ पर शी इस बात को कहते हैं इफ यू सीक द डिवाइन वो कहते हैं कि ये डिजायर है पर्सनल सल्वेशन इफ यू सीक द डिवाइन इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन एंड फॉर नथिंग एल्स बिकॉज दैट इज द सुप्रीम कॉल फॉर बींग द डीपेस्ट टूथ ऑफ द स्पिरिट कई बार लोग कहते हैं हम आना चाहते हैं पाण्डिचेरी में हम माँ की सेवा करना चाहते हैं पर हम श्योर नहीं है कि वहाँ हम खुश रह पाएंगे कि नहीं खुशी ये तो पैराडॉक्स हो गया ना खुशी ढूंढ लो <laughs> संसार में कौन सा सुख दूसरे तरह की सफरिंग आएगी पर यह जब तक ढूंढ रहे हो कोई गारंटी नहीं है कि पौड़िचर्य आके आप भौतिक रूप में सुखी रहोगे पर यह गारंटी है कि यदि भगवान का कार्य आप उस भाव से करोगे जो भगवान ने बताया है तो आप खुशी खुशी रहोगे कि नहीं मालूम नहीं आनंद में रहोगे पर अगर आप सुख सुविधा क्या होगा क्या मिलेगा यू कॉन्ट कम जब तक ये चीजें ढूंढ रहे हो बेटर टू कम्प्लीट दैट गो हैड आपको जीवन सिखाएगा प्रिपरेशन है ऑल दैट इज फाइन तो डिवाइन की सीकिंग केवल डिवाइन के लिए होनी चाहिए इवन लिबरेशन के लिए नहीं पहली चीज दूसरी और भी आगे एक कदम आगे ले जा रहे हैं ऑफ एंड वी सी दिस डिज़ायर ऑफ पर्सनल सालवेशन ओवरकम बाई एनी अदर अट्रैक्शन विच ऑल्सो बिलोंग्स टू द हायर टर्न ऑफ अ नेचर एंड विच इंडिकेट द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द एक्शन ऑफ द लिबरेटेड सोल मस्ट परस्यू पहली स्टेज है इग्नोरेंस में कर्म दूसरा निचकी मुक्ति तीसरा जो उन्होंने बताया डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन अब चौथा जो बता रहे हैं कि लिबरेटेड मैन का एक्शन जो हाइस्ट इट इज दैट विच इम्प्लाइड इन द ग्रेट लीजेंड ऑफ द अमिताभ बुद्ध हु टर्न अवे वेन हिस् स्पिरिट वॉज ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ निर्वान तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो निर्वाण में प्रवेश करने वाले थे वहीं से उनका नाम मैत्रेय अमिताभ आया अब ये महायान में आता है हीन यानी नहीं मानते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है एक बार में से कोई बहुत नाराज़ हो गया आपने क्यों मैंने कहा भाई देखो आप ना मानो इसमें कोई समस्या नहीं है बट ये तो बड़ी सुंदर चीज़ है इसको जब हम सुनते हैं तो बुद्ध मैग्नीफाई होते हैं साथ में माने इसकी पुष्टि की है शेरविंद ने इसकी पुष्टि की है कि जब वो थ्रेशोल्ड ऑफ निर्वाण में है तो वो मुड़ के देखते हैं और कहते हैं जब तक एक भी सोल मुक्त नहीं है तब तक मैं निर्वाण को अस्वीकार करता हूँ इट इज़ ब्यूटिफुल इट्स लव इन बुद्धा हज हार्ट पर कई लोग इसको नहीं मानते क्यों वो कहते हैं इसको अगर आप लाओगे बुद्ध की स्टोरी में मतलब ही वॉज कॉट बाय द इल्यूजन अगेन तो ये इल्यूजन है तो बुद्ध वापस इल्यूजन में चले गए बट दे डोंट अंडरस्टैंड लव इन की लोगों की समस्या ये होती है पर्सनल सॉलवेशन वाले दे डोंट अंडरस्टैंड लव जो इस सृष्टि का मूल आधार है इट इज दैट विच अंडरलाइज सबलाइम वर्ड्स ऑफ द भागवत पुराण आई डिजायर नॉट द सुप्रीम स्टेट विद ऑल इट्स एड सिद्धिज नॉट द ऑफ़ रीबर्थ मे आई एज्यूम द सॉर ऑफ ऑल क्रीचर्स हुटर इन टू देम सो दैट दे मे बी मेड फ्री फ्रॉम ग्रीफ मेरी तो ये फेवरेट है <laughs> कि सबका दुख मेरे अंदर समा जाए क्योंकि जब तक सृष्टि में कोई भी दुखी है मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ ये हम लोग परिवार में भी सीखते हैं क्या हम एक परिवार में अकेले सुखी रह सकते हैं अगर बाकी सब दुख में हैं तो अब जो सृष्टि के साथ एक हो रहा है जो भगवान के साथ एक हो रहा है भगवान सृष्टि के अंदर समाए हुए हैं यूनिवर्सल सेल्फ में है और उसके भी आगे वो कहते हैं It is that which inspires a remarkable passage in a letter of Swami Vivekananda. Very powerful thing. I have lost all wish for my salvation. Wrote the great Vedantin. May I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God, the wicked, my God, the miserable, my God, the poor of all races. Of all species is the special object of my worship. He who is the high and low, the saint and the sinner, the God and the worm, him worship, the visible, the knowable, the real, the omnipresent. Break all other idols, in whom there is neither past life nor future birth, nor death nor going nor coming, in whom we always have been and always will be one. Him worship, break all other idols. अब देखिए नाउ वी अंडरस्टैंड लोग स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित क्यों हुए उनकी जो इम्पल्स थी ना कहीं ना कहीं ये बहुत लार्ज थी मे बी देर वे पीपल हु रियलाइज ए लॉट मोर बट ही कैरीड दैट यूनिवर्सल सेल्फ अब ये समझ आता है कि शिव की भक्ति क्यों करते हैं इतने सारे लोग क्योंकि शिव के अंदर भी आप देखते हो हाई लो विकेट सब आ जाओ मेरे पास सबका कल्याण श्री कृष्ण आपको इवोल्यूशन के पाथ से ले जाएंगे वो आसान नहीं होता है लेकिन शिव शिवत्व वही धारण किया था स्वामी विवेकानंद ने बुद्ध ने तो ये जो शिवत्व का जो इम्पल्स है बुद्धिस्ट का जो इम्पल्स है शेयरविंद के अंदर भी आप देखेंगे दोनों चीजें एक और उनके अंदर आप शिवत्व देखोगे जो सबका पॉइजन ले लेता है अपने अंदर और दूसरी ओर कृष्ण का भाग देखोगे तो ये कंबाइन शिवा एंड कृष्ण आर ए सिंगल गॉड वो शेयरविंद में देखने को मिलता है सो so, अब वो फिर बात वही तो फिर कौन सा कार्म होगा तो कहते हैं दैट वर्क कैनॉट बी फिक्स बाई एनी माइंड में रूल और ह्यूमन स्टैंडर्ड फॉर इस कॉन्शियसनेस हैज मूव अवे फ्रॉम ह्यूमन लॉ एंड लिमिट्स एंड पास इन टू द डिवाइन लिबर्टी हाउ एवर हाउ सो एवर ही लिव्स एंड एक्ट सेज द गीता ही लिव्स एंड एक्ट इन मी यू कैंट जज द रूल्स विच द इंटेलैक्ट ऑफ मैन लेस डाउन कैनोट अप्लाई टू द लिबरेटेड सोल आप देखिए भारतवर्ष में तो ऐसे बो रहे हैं नवा साधुस को देख लीजिए अगोरपथू देख लीजिए जस्ट डोंट तो फॉलो एनी रूल आप उनको रूल के हिसाब से समझने की चेष्टा करोगे यू कैनोट अंडरस्टैंड ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कि आप द डिफरेंस बिटवीन द ट्रूली लिबरेटेड एंड द लिबर टाइन पर वो भगवान को तो पता है ना भगवान को तो मूर्ख नहीं बना सकता लिबरेटेड सोल के सारे लक्षण उसके अंदर आएंगे लास्ट में वो बताते हैं कि क्या रूल रहेगा तो लेकिन आप बाहर का कोई रूल नहीं बना सकते नॉट बी जज्ड बाय द एक्सटर्नल क्राइटेरिया एंड टेस्ट विज देयर मेंटल एसोसिएशन एंड प्री जजमेंट प्रिस्क्राइब माँ बताती हैं कि एक व्यक्ति आया गुरु जी की खोज में और उसने देखा गुरु जी तो आराम से एक सोफे पर बैठे हैं और वहां पे वो नॉर्मल uh, कपड़े वगैरह पहने तो कहती हैं वो ये विश्वास नहीं कर पाया कि ही कैन बी ए मास्टर मैं ये वॉल्यूम थ्री में बताती हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी सो यहां पर वो प्री जजमेंट सच ए वन कैनॉट बी जज्ड ही इज आउटसाइड द नैरो जुरिस्डिक्शन ऑफ दीज फॉलेबल ट्रिब्यूनल्स भाषा देखो शेयर इनकी इट इज इन मेटीरियल वेदर ही वेयर्स द गार्व ऑफ द एसेटिक और लिवज द फुल लाइफ ऑफ द हाउस होल्डर whether he spends his days in what men call holy works or in the many sided activities of the world shirin kehte na i i went to a place full of holy men and i got bored then god took me to the prison criminals ke beech mein unko vasudev ka darshan hota hai वैसे भी holy men और holy एक्टिविटी से थोड़ा दूर ही रहे इंसान तो अच्छा होलीनेस इज इनसाइड होलीनेस जो अंदर में होल हो चुका है दोनों एच ओ एल ई -E, खाली हो चुका डब्लू एच ओ एल ई पूर्ण हो चुका शून्य और पूर्ण दोनों एक साथ चलते हैं इसने दोनों ही महाशून्य और पूर्णता दोनों अवस्थाओं को एक साथ प्राप्त कर लिया ही इज होली वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें लोग उलझते हैं वेदर ही डिट्स हिमसेल्फ टू द डायरेक्ट लीडिंग ऑफ मैन टू द लाइट लाइक बुद्धा Christ or Shankara, or governs kingdoms like Janak, or stands before men like Sri Krishna, as a politician or a leader of armies, what he eats or drinks, what are his habits or his pursuits, whether he fails or succeeds, whether his work be one of construction or of destruction, whether he supports or restores an old order or labors to replace it by a new, whether his associates are those. दोस्त होम देर सेंस ऑफ सुपीरियर राइटियसनेस आउटकास्ट एंड मतलब मार्वलस लोग जज करते हैं मैन इज जज बाय द कंपनी ही की नॉट द लिब्रेटेड मैन अच्छा ये तो देखो ज्ञानियों के साथ घूमता है पहली बात है ज्ञानी को ज्ञानियों के साथ घूमने की जरूरत है <laughs> दूसरा अरे ये तो उनके साथ घूमता है ये तो लोअर वो लोग हैं तो कहते हैं यू कैन नॉट जज ही मे डू एनी ऑफ दीज थिंग्स ऑफकोर्स नॉट रैंडमली उसके अंदर उसका एक इनर रीजन है बट दैट द वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड तो यहां कह रहे हैं मैन डिलाइट टू ऑनर और दोज हुम देयर सेंस ऑफ सुपीरियर राइटियसनेस आउटकास्ट एंड रेप्रोबेट्स वेदर इज लाइफ एंड डीड्स आर अप्रूव्ड बाई हिज कंटेम्प्ररीज और ही इज़ कंडेम्ड एज ए मिसलीडर ऑफ मैन एंड ए फोमेंटर ऑफ रिलीजियस मॉरल और सोशल हेरेसीज सॉक्रेटिस अरे ये तो क्या लोगों को आ रहा है उसको सिखाना चाहिए माता पिता की बात सुनो ये तो उल्टा कह रहा है ये तो कह रहा है नहीं जो सही है वो चुनो माता पिता गलत है तो गलत है मतलब हायर सेंस में तो ये सारी चीज़ें एक लिबरेटेड मैन के एक्शन की बात कर रहे हैं ही इज़ नॉट गवर्न बाय द जजमेंट्स ऑफ मैन और द लॉज लेड डाउन बाय द इग्नोरेंट वो कभी प्रभावित नहीं होता है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं माता जी यहाँ तक कहती हैं अगर तुम अभी भी इन चीज़ों से प्रभावित होते हो तो तुम तैयार नहीं हो योग में कदम रखने के लिए क्योंकि इंडिविजुअलिटी का मतलब ही यही है कि आप इसलिए चीज़ें नहीं करते हो कि समाज में आपका अप्रूवल मिलेगा कि नहीं आपकी अप्रूवल रेटिंग कितनी होगी आपको लोग प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे आप इसलिए कार्य नहीं कर रहे हो आपका एक अलग मापदंड है जो इनर है स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट में हमने पढ़ा था हिज रियल लाइफ इज विद इन एंड दिस इज इट्स डिस्क्रिप्शन डिवाइन इन द इनफिनिट आप पूछें सर थोड़ा तो कुछ तो बता दो आप कुछ तो हिंट ड्रॉप करो बाहर से आप नहीं देख सकते समझ नहीं सकते पर कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना अब यहां पे शेयरविंद <laughs> बट इफ इज एक्शन इज गवर्न बाई नो एक्सटर्नल रूल वन रूल इट विल ऑब्जर्व दैट इज नॉट एक्सटर्नल वो भी उसको पता होगा लेकिन यह रूल है जो ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्व भी किया वो ऑटोमेटिक होता है इट विल भी डिक्टेटेड बाई नो पर्सनल डिजायर और एम मेरा इससे क्या फायदा होगा मेरा इससे क्या लाभ होगा मेरा इससे क्या हित होगा मुझे इससे क्या मिलेगा ये सारे खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो उसका अब ड्रॉप हो गया ये भी उस व्यक्ति को पता होगा पर्सनल एम सेल्फिश मोटिव असंभव हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति के लिए बट विल बी ए पार्ट ऑफ ए कॉन्शियस एंड इवेंचुअली ए वेल ऑर्डर्ड बिकॉज सेल्फ ऑर्डर्ड डिवाइन वर्किंग इन द वर्ल्ड फिर वो क्या होगा वो एक्शन एक कॉस्मिक एक्शन का डायमेंशन लेगा द गीता द गीता डिक्लेयर्स दैट द एक्शन ऑफ द लिबरेटेड मैन मस्ट बी डायरेक्टेड नॉट बाय डिजायर बट टूवर्ड द कीपिंग टुगेदर ऑफ़ द वर्ल्ड इट्स गवर्नमेंट गाइडेंस इम्पलशन मेंटेनेंस इन द पाथ अपॉइंटेड टू इट वो क्या होगा एक्शन चाहे वो सीमित दायरे में हो या वृहत दायरे में हो इट विल बी टू लीड ह्यूमन बींग्स एंड ऑफकोर्स दिस वर्ल्ड टूअर्ड द पाथवेज ऑफ गॉड ये उसका एक्शन रहेगा लिबरेटेड मैन का उसमें उसमें भी ये नहीं कि उसमें भी सूक्ष्म अहंकार हो सकता है पीपल शुड रिकोगनाइज पीपल शुड रेवर मी नन ऑफ दीज थिंग्स क्योंकि वो अहंकार कब आ जाएगा स्पिरिचुअली को हम सब जानते हैं कितनी भयानक होती है तो उसका एक ही कर्तव्य काम रहेगा शेष कि कैसे चाहे उसका छोटा सा दायरा हो या बड़ा दायरा हो वो भगवान डिसाइड करते हैं उन सब में उसका काम है टू लीड ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड टूवर्ड्स गॉड और उसकी लॉजिक अब वो बता रहे हैं बट इफ यू एक्सेप्ट राधर द व्यू दैट द वर्ल्ड इज अ डिवाइनली गाइडेड मूवमेंट ऑफ नेचर इमर्जिंग इन मैन टूवर्ड्स गॉड एंड दैट दिस इज द वर्क इन विच द लॉर्ड ऑफ द गीता डिक्लेयर्स दैट ही इज एवर ऑक्यूपाइड ऑल दो ही हिम सेल्फ हैज नथिंग अनगेन्ड दैट ही हैज़ येट टू विन देन अ डीप एंड ट्रू सेंस विल अपेयर फॉर दिस ग्रेट इंजंक्शन टू पार्टिसिपेट इन दैट टू डिवाइन वर्क टू लिव फॉर गॉड इन दर्ल्ड ये यू कैनॉट नो अनलेस यू नो द पर्सन क्लोजली कि भाई ये अपने लिए नहीं तो भगवान भगवान से भरा हुआ है तो भगवान के लिए काम कर रहा है ये नहीं कि उसको बोलने की जरूरत है कोई ही इज फील्ड विद दैट डिवाइन एंड वॉन्ट्स टू एक्ट फॉर द डिवाइन लिवस फॉर द डिवाइन सो दिस विल भी एंड इनर रूल एंड देयर फोर्सो टू एक्ट दैट द डिवाइन में मोर एंड मोर मैनिफेस्ट हिमसेल्फ और उसको मीन्स दिए जाते हैं ज्ञान दिया जाता है कि हाउ द डिवाइन विद मैनिफेस्ट फॉर इंस्टेंस माने एक छोटा सा सूत्र इन पीस एंड हारमनी द मैनिफेस्ट। यानी डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपको सहयोग करना है तो पीस एंड हारमनी होनी चाहिए यूनिटी होनी चाहिए अब आप कह रहे हो कि आप भगवान का काम कर रहे हो लेकिन आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो अपनी एक सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए तो वेर आर यू हेल्पिंग यू आर एक्चुअली हार्मिंग आप किसी को डिप्रेस्ड बना रहे हो जज करके क्रिटिसाइज करके कंडेम करके आई एम गिविंग वेरी प्रैक्टिकल थिंग तो उसमें क्या हो रहा है जब आप किसी को दुखी कर रहे हो अपने कटु वचन आई एम गिविंग ए वेरी प्रैग्मेटिक एग्जाम्पल वचनों द्वारा अपनी सुपीरियर राइटियसनेस द्वारा तो आप क्या कर रहे हो माता जी का काम बढ़ा रहे हो क्योंकि दे इज नाउ वन मोर अनहैप्पी पर्सन हुम द मदर इज टू सॉर्ट आउट कि ये प्रैक्टिकल ये नहीं कि उसको सबको खुश करना है या नहीं लेकिन आप कम से कम ये कृत्य होंगे ही असंभव हो जाएंगे आपके लिए क्योंकि आप यू नो इट कि दिस इज गोइंग टू तो मेक थिंग्स वर्स एक सज्जन थे वो कहते थे कि भाई आप माता जी की सेवा कहते भाई मैं खुश रहता हूँ यही मेरी सेवा है कम से कम एक बंदे का भार कम होगा पर यह कि कई लोग खुश रहते हैं खुद लेकिन दूसरों को दुखी करते हैं तो वहाँ भी <laughs> मनीष टू बी सो केयरफुल ऐसे ऐसे लोग थे जो इस तरह के माता जी के पास वो ब्लेसिंग नहीं लेने को क्यों क्योंकि माँ हाथ से उठा उठा के दे रही है कम से कम एक व्यक्ति को तो देने का उनको कम कष्ट होगा आपको दैट्स एन एक्सट्रीम बट द अदर पार्ट इज कि वो कभी भी कोई पर्सनल सेल्फिश मोटिव से कृत्य नहीं करेगा एंड द वर्ल्ड गो फॉरवर्ड बाई वट एवर वे ऑफ इट्स ऑब्सक्योर पिलग्रिमेज एंड मूव नियरर टू द डिवाइन आइडियल उसका जीवन उसका धन उसक, उसके पास जो भी साधन है जो कुछ भगवान ने दिया है बस इसी चीज में लग जाएंगे हाउ ही शेल डू दिस इन वॉट पर्टिकुलर वे कैन बी डिसाइडेड बाई नो जनरल रूल ये एक इनर सेल्फ से होगा एक्शन वी लड़ाइज वो कोई ये नहीं करेगा कि अच्छा मुझे ये स्कीम है मुझे ये करना है मुझे मिल रहा है मैं कैसे करूँ मैं इकट्ठा करूं यहां से चीजें वहां से ही विल नॉट डू दैट भगवान जब कर्म देते हैं सारे साधन मीन्स देते हैं ही डज इट वो यहाँ लोगों को पढ़ाने दिया जाता था ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ उनको फ्रेंच पढ़ाने दिया गया उन्होंने कहा माँ यू हैव टोल्ड मी टू टीच फ्रेंच बट आई डोंट हैच माँ ने कहा डोंट वरी यू लर्न इट यू विल लर्न इट ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंच टीचर इन द आश्रम स्कूल उसी प्रकार से उदार था माँ आपने ये काम दे रही हो करूँगा कैसे पैसे कहाँ से आएंगे मनी विल कम एक रुपए दे के उन्होंने स्टार्ट किया तो अगर भगवान ने काम दिया है तो वो मीन्स आएंगे आप उसको नहीं उसके लिए आपको माथापच्छी नहीं करनी है हाँ आज दिया है कल वो कह सकते हैं कि नाउ यू टेक रेस्ट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी बट मीन्स विल कम यू डोंट हैव टू वरी यू डू द वर्क फोकस ऑन द वर्क एंड एवरीथिंग एल्स विल डेवलप फैकल्टीज डेवलप होंगी कैपेसिटीज डेवलप होंगी जो साधन चाहिए सब कुछ अपने आप डेवलप होगा फिर वो आगे और कह रहे हैं नो सच जनरल थिंग एज ड्यूटी एग्जिस्ट वी हैव ओनली ड्यूटीज इज ऑफ एन इन कंफ्लिक विद ईच अदर आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन ट्रेनिंग द दर मॉरल नेचर एंड सेटिंग अप ए standard विच discourages द एक्शन ऑफ सेल्फिश डिजायर कहते हैं आप ये मत उससे अपेक्षा करना कि वो अपने सारे लौकिक ड्यूटीज करे ही मे डो ही मे नॉट डो अगेन दैट इज नॉट the स्टैंडर्ड एंड इफ ही डज इट ही विल नॉट डू एज ए ड्यूटी आपको लग रहा है कि वो ड्यूटी कर रहा है वो ड्यूटी से नहीं कर रहा है हो सकता है उसके अंदर करुणा हो, हो सकता है वो एक ट्रस्टी के रूप में सारे जीवन को देख रहा है तो इस प्रकार से उसका जीवन बदल जाएगा ऑन दी अदर हैंड टू लव और हैव कम्पैशन टू ओबे द हाइस्ट अब यहां कह रहे हैं ड्यूटी वाला फंडा चला गया ड्यूटी नहीं तो फिर वो क्यों करेगा ड्यूटी बोल के नहीं कर रहा है परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य है फिर वो क्यों करेगा तो यहां वो कह रहे हैं शेयरविन ऑन द अदर हैंड सो कह रहे हैं ड्यूटीज आर एक्सटर्नल थिंग्स ऑन दी अदर हैंड टू लव और हैव कम्पैशन to obey the highest truth of a being to follow the command of the divine are not duties these things are a law of the nature as it rises towards the divine आप, automatically आपके अंदर करुणा भरेगी आपके अंदर दया आएगी जनरॉसिटी आएगी जो डिवाइन का नेचर है सबको वो दे देते हैं अपने आप को कोई कैलकुलेट नहीं करते अनकैलकुलेटिंग मूवमेंट ऑफ सेल्फ गिविंग केवल डिवाइन करते हैं पुष्प उनके प्रतिनिधित्व करते हैं धरती पर तो वो उसकी प्रकृति में होगा या कोई माइटी एक्शन होगा तो वैसा होगा जैसे समुद्र के अंदर वो महाज्वार उठता है पर उसमें से कोई भी चीज ड्यूटी के रूप में नहीं है एन आउट फ्लोइंग ऑफ एक्शन फ्रॉम ए सोल स्टेट ए हाई रियालिटी ऑफ द स्पिरिट द एक्शन ऑफ द लिबरेटेड डुअर ऑफ वर्क मस्ट बी इवन सच एन आउट फ्लोइंग फ्रॉम द सोल

Uh, जल रही है अग्नि जल रही है कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि कोई सोड है और वो काट रही है उस व्यक्ति की तरफ डायरेक्ट होके जा रही है डिस्ट्रॉय कर रही है तो ये क्या है उनको परेशान हो गया अब ये उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली आया था अदरवाइज इज वेरी स्वीट नेचुरली माँ का प्रेम uh, हो गया ही होगा तो माँ ने कहा इट इज अ साइकिक मूवमेंट क्योंकि वो फॉल्सुड है और ये तब तक जलती रहेगी अग्नि जब तक उस काम को डिस्ट्रॉय नहीं कर देती तो वो भी है तो इट इज़ ए मूवमेंट दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड आप बाहर से देख के अब यही काम कुछ लोग दूसरे ढंग से कर सकते हैं इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा यू मे हैव योर ओन एक्स टू क्राइम महाभारत में सब जो लड़ रहे थे थोड़ी कोई युद्ध लड़ रहे थे बहुत से लोग थे जिनकी पर्सनल इश्यूज थे द्रुपद तो इसलिए गए थे कि मारना है मुझे द्रोणाचार्य को तो वो तो यही है या मेरी बेटी मुश्किल में है बट अर्जुन पांडव अर्जुन सबसे हाईएस्ट वेंट देयर ओनली बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली द डिवाइन कॉलिंग तो अलग अलग बट इन द लास्ट स्टेट ऑफ द सोल्स इंफिनिटी एंड फ्रीडम ऑल आउटवर्ड स्टैंडर्ड्स आर रिप्लेस्ड और लेड अ साइड एंड देर इज लेफ्ट ओनली ए स्पॉन्टीनियस एंड इंट्रेग्रल ओबीडियंस टू द डिवाइन विद होम वी आर इन यूनियन and in actions spontaneously fulfilling the integral spiritual truth of our being and nature spontaneously fulfilling आपको कुछ करना नहीं पड़ता है वो fulfill जो देते हैं वो सब कुछ उसमें सब कुछ है माँ जब कर्म देत काम देती हैं तो उसमें मींस देती हैं उसकी फुलफिलमेंट सब कुछ माध्यम कैपेसिटी एवरीथिंग शी विल डू बिकॉज़ शी हैज फोरसीन और फिर

मस्ट बी मैनिफेस्टेड इन द इंडिविजुअल इन ऑर्डर दैट इट मे मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड यही केवल एकमात्र प्रयोजन है और पहले बताते हैं कि ज्ञान योग और भक्ति योग में ये आप इस रियलाइजेशन को नहीं प्राप्त करते हो क्योंकि आप संसार से इनवेरेबली इल्यूजनिज्म आता है कम से कम विड्रॉल आता है संसार से लेकिन यहां पर बट इन द वे ऑफ वर्कस एनदर प्रोस्पेक्ट ओपन्स फॉर ट्रैवलिंग ऑन दैट पाथ वी कैन एंटर इन टू लिबरेशन एंड परफेक्शन बाई बिकमिंग ऑफ वन लॉ एंड पावर ऑफ नेचर विद द इटर्नल बाकी में ज्ञान योग में और भक्ति योग में बीइंग या सुप्रीम स्टेटस ब्राह्मण उस और आप जा रहे हो या बिलवेट पर बिकमिंग को आप कैंसिल करके जा रहे हो पर यहां पर आप बिकमिंग के साथ साथ जा रहे हो उधर तो बिकमिंग मीन्स बींग इज बिकमिंग लाइफ डिवाइन कहती ना भगवान ही सृष्टि बन गए और वही सृष्टि को शेप रिशेप कर रहे हैं उन्हीं की शक्ति उन्हीं की ऊर्जा अंततः तो उस बिकमिंग में भी सहयोग देने लगता है और ये केवल कर्मयोगी को ये विशेष सुविधा उपलब्ध है In the Integral Yoga, these three lines of approach—jnana, bhakti, karma—give up their exclusive exclusions, meet and coalesce, or spring out of each other. Liberated from the mind's veil over the self, we live in the transcendence. Enter by the adoration of the heart into the oneness of a supreme love and bliss, and all our forces of being uplifted into the one force. Our will and works. सरेंडर्ड इन टू द वन विल एंड पावर है जूम द डायनामिक परफेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर तो कर्मयोग के माध्यम से जब हम जाते हैं और ये वाला कर्मयोग विशेषकर जो डिवाइन वर्क की वो ले जाता है तो स्वाभाविक है उसमें ज्ञान आएगा आप भगवान का काम कर रहे हो आप ज्ञान में नहीं कर सकते हो तो दैट नॉलेज ऑफ द वर्क विल कम टू यू एंड देन दैट नॉलेज विल एक्सटेंड इट सेल्फ इन एवरी डायरेक्शन प्रेम आएगा ही आएगा आप अनमने ड्यूटी के भाव से भगवान का काम अरे छह घंटे आश्रम में काम करना है उसके बाद हमारी अपनी जिंदगी है यू कैन डू इट इट कैन बी ए स्टार्टिंग पॉइंट बट सोना लेटर दैट लव ऑफ गॉड पजेस इज ऑक्यूपाइज इन कंज्यूम्स द लिबरेटेड सोल हु इज टेकिंग द पाथ ऑफ वर्कस तो ये है यहाँ पर हम लोग इसको समाप्त करेंगे बुक टू समाप्त होती है इसके बाद एक चैप्टर और है विच विल टेक नेक्स्ट वीक जो अनफिनिश था और इसको यूज़ किया गया इस बुक में ऐड कर दिया गया सो बट स्टिल वील टेक इट अप सुपर माइंड एंड द योगा जय जेमा